हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक फेशियल। ये फेशियल आपकी अनइवन स्किन टोन को इवन बनाएगा, आपकी स्किन पर से दाग धब्बे, झाइयों और झुर्रियों को रिमूव करेगा, आपके स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा और आपकी स्किन के पोर्स को भी श्रिंक करने में हेल्प करेगा। मैं करने वाली हूँ विटामिन ई फेशियल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन और बालों के लिए कितना ज़रूरी होता है। ये हमारी स्किन को रिप्लेनिश और रिजुविनेट तो करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत ही ग्लोई बना देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए विटामिन ई कैप्सूल्स। ये हमारे फेशियल का मेन इंग्रेडिएंट है। ये आपको अपने किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। 20 से 25 रुपए में ये मिल जाता है। हमें इसके सिर्फ 4 ही कैप्सूल्स यूज़ करने हैं। फेशियल का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्लींजिंग, और क्लींजिंग हम कच्चे दूध से करेंगे। इसके लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया है और इसमें कॉटन पैड को डिप करके मैं निचोड़ लूँगी और इससे अपने फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर लूँगी। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन से डर्ट को रिमूव करता है और आपके पोर्स को डीप क्लीन करता है। तो बस आपको इससे अपने फेस को क्लीन कर लेना है। इसके बाद बारी आती है स्क्रबिंग की। DIY स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी में 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी चावल का आटा ले लूँगी। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 1 चम्मच कच्चा दूध और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी हमारा मेन इंग्रेडिएंट विटामिन ई का 1 कैप्सूल। इसके बाद मैं इन सभी इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके अंदर चावल का आटा या फिर दूध की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना पेस्ट थोड़ा ड्राई लग रहा था इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर लिया है। इसके बाद हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा DIY स्क्रब बनकर एकदम रेडी है। थोड़ा सा स्क्रब आपको अपने हाथों पर ले लेना है और इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। स्पेशली अपने टी जोन पर, अपने फॉरहेड, नोज़ और चिन एरिया पर इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अप्लाई करें। राइस फ्लावर एक नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है। यह आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। ब्लैक हेड, वाइट हेड्स को भी रिमूव कर देता है और स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। 4 से 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में आपको इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। उसके बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं। स्क्रबिंग के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है और अभी से मेरी स्किन बहुत ही फ्रेश और ग्लोइंग लग रही है। जब कभी भी आपके पास ये फेशियल करने का टाइम ना हो तो आप सिर्फ ये स्क्रब भी ट्राई कर सकते हैं और पा सकते हैं फ्रेश एंड ग्लोइंग स्किन। इसके बाद बारी आती है मसाज क्रीम की। मसाज क्रीम बनाने के लिए मैं एक छोटे से कंटेनर में 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लूँगी। इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच के करीब ग्लिसरीन ऐड कर लूँगी। फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारी DIY फेस क्रीम बनकर एकदम रेडी है। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, इसे आप 15 दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई कर लें और सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लें। ये क्रीम आपकी स्किन के दाग धब्बों को हटाएगी, आपकी स्किन को टोन करेगी और साथ ही साथ झुर्रियाँ आने से भी रोकेगी। ये आंखों के नीचे काले घेरों को भी मिटाएगी। इसे आप स्टोर करके 10 से 15 दिन के लिए रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 6 से 8 मिनट तक आपको इससे अपनी मसाज करनी है। इसे आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर हम फेस पैक लगाएंगे। लास्ट स्टेप है फेस पैक, और इसके लिए मैंने 1 कटोरी में ले लिया है 1 चम्मच बेसन और इसके अंदर ऐड कर लिया है 1 चम्मच कच्चा दूध। इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 विटामिन ई कैप्सूल भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इसके बाद मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमारा फेस पैक अप्लाई करने के लिए रेडी है।
इसे आप अपने हाथों या किसी भी ब्रश की हेल्प से अपने पूरे चेहरे और नेक पर अप्लाई कर लें। बेसन या मिल्क की मात्रा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हल्दी, बेसन और विटामिन ई का ग्लो पैक है। ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को पूरी तरह से मिटा देगा और स्किन को बहुत ग्लोइंग बना देगा। कुछ लोगों को बेसन सूट नहीं करता है तो इसकी जगह पर आप मुल्तानी मिट्टी या चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ड्राई होने तक आपको इसे लगाकर रखना है, उसके बाद फेस वॉश कर लें। मेरा फेस पैक ड्राई हो चुका है और अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मैं टॉवल से अपने फेस को पैट ड्राई कर लूँगी। मेरी स्किन बहुत ही हाइड्रेट और फ्रेश फील कर रही है, बहुत ही अच्छा रेडिएंट ग्लो आ गया है स्किन पर। आप ज़रूर इस फेशियल को एक बार ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप ये फेशियल करें उस दिन कोई साबुन या फेस वॉश यूज़ ना करें, सिर्फ सादे पानी से ही अपने फेस को वॉश करें। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।